आईफोन से फोटो खींचने से आईफोन नहीं आता, ये ब्रांड है छोटे और किसी के हाथ में नहीं आता। सब्सक्राइब टू वंडर ब्लॉग, 1 मिलियन करा दो जल्दी। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पूल पर अपने कैमरे का टेस्ट करने, आईफोन 13 का वाटर टेस्टिंग करने आए हैं और हम आए हैं स्विमिंग पूल, देखते हैं कि पूल में हमारा आईफोन कितना सस्टेन कर पाता है और थोड़ा एंजॉय भी करेंगे इस स्विमिंग पूल में। भी आप देख सकते हैं धूप में डायरेक्ट मेरे फेस पर पड़ रही है और थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट हम आज का दिन एंजॉय करने वाले हैं। हम पूल में आ चुके हैं और अब हम अपने फ़ोन को भी लेकर जा रहे हैं पानी के अंदर, देखते हैं किस तरीके से ये रिकॉर्ड करता है, कैमरे की क्या क्वालिटी रहती है। पानी बहुत ठंडा है, स्कूल में हम अकेले हैं, बस मेरा छोटा भाई है जो गोप्रो के साथ एंजॉय कर रहा है। भैया अरे भैया पानी के अंदर लो डाउन की है और ये आप देख सकते हैं हमारा गोप्रो, गोप्रो को फ्रेम में लेकर आ जल्दी, ये हमारा गोप्रो 10। हां पानी में अंदर जा रहा है, 1 2 3 आईफोन भी अंदर था और रिकॉर्डिंग चालू है, गोप्रो में रिकॉर्डिंग हो रही है। देख सकते हैं गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है और पानी का फुल मजे लेते हैं पूल में। और मुझे स्विमिंग करना नहीं आती है इसलिए मेरे हाथ से मेरा फोन गिरते गिरते बच गया पूल में और वीडियो भी शेक हो गई है, पर हम कोशिश करते हैं इस बार दोबारा से कुछ अच्छे व्यूज कैप्चर करने की। हम जाते हैं पानी के अंदर दोबारा से। हम सकल ध्यान करेंगे ना की तरफ और अब हम अपने गोप्रो को स्कूल के अंदर छोड़ने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं कि गोप्रो हमारा अंदर जा रहा है। सब्सक्राइब टू वंडर ब्लॉग, 1 मिलियन करा दो जल्दी। ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर है जो हाल ही में उनसे जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये भी पूल में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।
हमने अपना GoPro का टेस्ट भी किया, GoPro 10, ये आप देख भी रहे हैं कि हमारा GoPro 10 है। हमने इसका अंडर वाटर शूट भी किया है। और हम जो जिस स्विमिंग पूल में आए हैं, ये झांसी में गैलेक्सी स्विमिंग पूल के नाम से फेमस है और ये उन्ना बालाजी रोड पर है। और आइए उनके ऑनर से मिलवाते हैं। ये इस स्विमिंग पूल के ऑनर हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस नाम है और ये उनके पार्टनर भी है, ये अरविंद कुमार। ये मिलकर इस स्विमिंग पूल को चला रहे हैं और स्विमिंग पूल भी काफ़ी सुंदर है और पानी भी काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हैं नेचर कितना ब्लू आ रहा है। देखिए काफी साफ स्विमिंग पूल है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी स्विमिंग पूल में आए, झांसी का सबसे बेस्ट स्विमिंग पूल में से एक है ये। और प्राइस भी काफी अच्छा है और अभी और इसको डेकोरेट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्विमिंग पूल आ रहे हैं और आप इस स्विमिंग पूल में आ सकते हैं। हमने यहाँ लगभग 1.5 घंटा व्यतीत किया है और आप भी इस पूल में आकर हमारी तरह एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।